यूट्यूब वेलकम टू माय चैनल। और मेरा नाम है आफ्ताब अहमद जंजुआ और मैं यानी बुशक्राफ्ट और सर्वाइवल के बारे में जो है वो यूट्यूब बनाता हूँ। तो आज से काफ़ी अर्सा पहले जो है वो मैंने एक वीडियो बनाई थी, एक नहीं दो तीन वीडियो बनाई थी, एक्चुअली एक ही वीडियो थी लेकिन उसको मतलब दो तीन पार्ट्स में जो है वो मतलब मैंने अपलोड किया था। तो उसमें बहुत से लोगों ने ये जो गैजेट्स वगैरह मैं यूज़ करता हूँ इसका बारे में कुछ लैक ऑफ नॉलेज मेरी भी और कुछ जो मैंने यानी आप लोगों को बताने की कोशिश की तो उसमें बहुत सी चीज़ें रह गई, तो वो लोगों ने पूछा, तो इस वजह से मैं दोबारा जो है वो ये अपना वीडियो बना रहा हूँ। तो चले हम शुरू करते हैं। इसमें बहुत से लोगों ने असल में ये पूछा था कि ये इनकी प्राइजेज नहीं मैंने बताई पिछली वीडियोज़ में और ये कहाँ से मिलते हैं उसके बारे में जो है वो लोगों को मैंने बताया। तो बहुत से लोग जो इंटरेस्ट रखते हैं हमारे पाकिस्तान में, तो मैंने देखा है कुछ लोग ब्लॉग बनाते हैं ये कैंपिंग वगैरह, ये खासकर बाइकर वगैरह जाते हैं नॉर्दर्न एरिया से, तो वो बहुत सी मतलब रफ सी चीज़ें घरेलू जो मतलब आम जो चीज़ें होती हैं उससे वो करते हैं, तो वो काफ़ी हेल्दी भी और हेल्दी कह रहा हूँ सॉरी मतलब वजनी भी होती हैं और दूसरा वो मतलब कैपेबल नहीं होती कि आप सब चीज़ें एक मतलब आपने रख सकते हैं, आपने एक बैग में जो है वो बैकपैक में इसको सबको मेंटेन कर पाएँ। तो इसलिए कैंपिंग के लिए जो है ना वो बड़ी लाइट वेट और मिनी जो है वो चीज़ें जो है वो यूज़ होती हैं, तो यही एक चार्म है और दूसरा मतलब ये इजी भी होता है। तो चलें हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले तो ये जी मेरा मतलब पोंचो बैग है, ये मतलब एक इस तरह का खैमा भी बन जाता है टेंट, और दूसरा ये स्लीपिंग बैग भी के तौर पे भी यूज़ हो जाता है। तो ये वाटरप्रूफ है और ये मतलब ऑलमोस्ट इसके जो है वो ये कोरियन है और ये रेड फेस का है, रेड फेस एडवेंचर आउटडोर सिस्टम। तो ये अप्रॉक्सीमेटली मनफी ज़ीरो तक जो है वो मतलब आपको वो इंसुलेशन जो है वो प्रोवाइड करता है। तो ये मेरा एक है मिनी, ये बहुत लाइट वेट है ऑलमोस्ट कुछ ये एक केजी या इसके राउंड बॉडी, ये दिखने में फिर भी थोड़ा बड़ा लग रहा है लेकिन ये एक केजी जो है इसका वेट है इससे ज़्यादा। ये मेरा स्लीपिंग जो मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ क्योंकि हमारे इधर इतना टेम्परेचर जो है वो नहीं लो जाता, तो वैसे अगर आपको नज़र आ रहा हो वो नज़र आ रहा है वो नहीं नज़र आ रहा। अच्छा बहरहाल वो एक साइड पे पड़ा, वो पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था वो पड़ा है, यानी इतना सा है वो मतलब क्विल्ट भी है और बीबी भी है वो, यानी बीबी टेंट है, तो मतलब वो एक छोटा सा मिनी टेंट भी बन जाता है और उसी के अंदर जो है वो क्विल्ट वगैरह जो सब कुछ उसके अंदर जो है ना इंसुलेशन का बड़ा बेहतरीन जो है वो नज़र आता है। तो वो साइड में वो मैं पिछली वीडियो में दिखाया था, अभी मैं आपको दिखा दूँगा। और ये एक टार्प है जी, ये एक एम है, तो ये तो एक मतलब बिल्ड इन होता है ना कि मतलब आप इसमें जंगल लगाते हैं, इसके साथ पिग्स लगती हैं और इसमें जो है वो एक बड़ा सिस्टम होता है जैसे इसके ना ये होते हैं फोल्डेबल, यानी तो ये स्टिक्स के जरिए खड़ा होता है, ये जो है ये आप किसी भी इसको इसको किसी भी तरीके से इसको फेस्टिंग कर सकते हैं और इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये एक टार्प है 10x10 का, तो ये मैंने परचेज़ किया था इधर से द्रास पीके से, ठीक है हाँ द्रास पीके से ये मैंने परचेज़ किया था और ये मैंने लिया था लोगों से लंडे से लिया था मैंने ये, तो लेकिन ये अच्छी चीज़ है, बिल्कुल 0 मीटर है और ये 10x10 है, 10 मीटर बाई 10 मीटर नहीं 3 मीटर बाई 3 मीटर है और 10 फीट बाई 10 फीट है, सॉरी ये मतलब ये टार्प है, तो इससे आप डिफरेंट डिज़ाइन के जो है वो खेमे भी बना सकते हैं और ये एक आपको शेल्टर भी प्रोवाइड करता है अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन ऑफ वेदर, आप इससे धूप से भी बच सकते हैं और बारिश वगैरह के भी बहुत सारा आपको हेल्प आउट करता है। और फिर ये मेरा मतलब रेनकोट है, ये मैंने मरीज से लिया था जब हम अपने उस पर गए थे मतलब थोड़ा गए थे शादी के बाद, तो ये मैंने उधर लिया था, तो वाटरप्रूफ है और ये मतलब सारा जो है वो ऐसे मटीरियल से बना के इसमें पानी भी आप इंजेक्टिंग और सेकंड ये मेरा शिमाक,
जो इसके डिफरेंट यूजेज है वो किसी वीडियो में आपको दिखाऊंगा। वैसे यूट्यूब पे लाखों इसकी वीडियोस पड़ी हुई हैं, हाउ टू यूज़ आ शिमाग इन हार्ट कंडीशन। तो ये आपको वाटर फिल्ट्रेशन और उसके अलावा आपको मतलब ये जो मॉस्किटोज और मतलब इस तरह की जो है यानी सिचुएशन उसमें आपको और भी इसके हज़ारों इसके वो मतलब है यूजी वो किसी वीडियो में मैं स्पेशली इसके लिए बता देना। ये तो आम सा मिल जाता है किसी भी मार्केट में, ज़्यादा हो जाए मेरा ख्याल है कि अराउंड अबाउट 150 तक मिल जाता है, आपको 200 का भी मिल जाता अच्छी क्वालिटी में। ये जो है ये मैंने मरीज से लिया था, ये भी मेरे ख्याल में 350 रुपये का मैंने लिया था, आम ही है कि दुकान से चलते देखते मिल जाए। तो ये जो है ये मैंने लिया था जनाब 2300 रुपये का, द्राज भी किस मैंने ये लिया था, तो ये लंडन से मैंने लिया था 200 रुपये का। तो मतलब ऐसे है ये आपको भी बहुत सी जगहों से मिल जाएगा। उकाड़ा में है एक, उकाड़ा में दो तीन शॉप्स हैं, जैसे वो क्या कहते हैं, एक तो थी उधर डॉक्टर सदीक के पास ये चर्च रोड पे, मतलब वो जो सोडे वाला है, जो सरवर सोडे वाला ना, उसके पास सदीक मेडिकल के आगे थी आइडियल वालों की शॉप, वो आप चले गए फैसलाबाद, तो आप फिर एक उधर आ जाती है अस्पताल जो है ना, तो उसके पास है एक बेसमेंट में है शॉप, ठीक है, उससे थोड़ा इधर भी है हार वाली दुकानों के पास, तो आप उकाड़ा में जो है ये मतलब मिल जाती है चीज़ें ना। ये फिर हेडलैम्प है, ये जी सर पे डाला जाता है और ये इसके पीछे बैठी है, तो फिर ये ऐसे मतलब ये चलता है। इसके ये पहले आई थी, अब ये लोग ये सिग्नल सिग्नलिंग के लिए मतलब ये इसकी बैटरी और ये चार्जेबल है, इसका वो चार्जर वगैरह साइड में पड़ा पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था। और ये मेरे जो भाई है बाड़ा जी है, तो उन्होंने उन्होंने ये मुझे गिफ्ट की थी, और ये मेरा ख्याल है कि द्राज पी के भी पड़ा हुआ है और आम भी मिल जाता है ये, यानी मेरा ख्याल 1100-1200 रुपये तक ये आप इधर तक ही मिल जाते हैं 1100। फिर ये मैंने एक नई चीज़ ली, ये पिछली वीडियो में मैंने नहीं दिखाई, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। मतलब ये जी एक मतलब आपको शायद नज़र आ रहा हो, इसमें कोई सेंसर नहीं डलता, और ये मतलब ऐसे आप इसको करते रहे, ये आपको लाइट प्रोवाइड करता, अभी तो बहुत थोड़ी सी है लेकिन रात को अच्छी खासी इसकी लाइट होगी, इसमें कुछ भी नहीं डलता, ये मतलब जनरेटर है। तो एवेंचर यूरियम मतलब ये भी मैंने उधर से लिया था, जो ओल्ड शॉप है ना, मतलब ये इन इन चीज़ों की जो ओल्ड शॉप होती है उनके कंटेनर वगैरह आते हैं उसमें से ये मुझे मिला था, और ये मैंने 150 रुपये का लिया। ये बाकी कुछ बैटरीज हैं जो ये मतलब इसी तरह ये है एक छोटी, इसमें भी अभी बैटरी वगैरह नहीं डाली, तो ये भी जो है वो हमारे लिए एक ये है, एक ये है, इसी तरह एक ये है बड़ी वाली, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने उकाड़ा से ली थी, आइडियल वालों की शॉप है उधर ही सरवर सोडा वालों के पास, डॉक्टर सिद्दीक से थोड़ा आगे, द्राज वालों की जो वो है ना फ्रेंचाइज उसके बिल्कुल सामने है। तो ये मैंने कोई आई भी 500 ये कुछ ये मैंने 300-400 रुपये में ली थी, वैसे तो ये एक्सपेंसिव होती है लेकिन उधर से मिली, कुछ उनको भी अवेयरनेस नहीं थी इसके बारे में और कुछ मेरा भी जुगाड़ लग गया, तो बस इसी वाले। ये जी एक बड़ी बड़ी चीज़ है, ये आपको सिक्योरिटी मुहैया करती है, कैसे मतलब ये अलार्म करती है आपको, आपने ये कैमरा लगा ली उसके बाद आप ये जो फिशिंग वो होती है ना, मतलब फिशिंग धागा जो होता है, जो मतलब फिशिंग हवाले से चीज़ वो इसमें यानी हम इधर लगा देते हैं, ठीक है, इधर लगा के इसको ऐसे चारों तरफ ना इसके थोड़े यानी 10 फीट के फासले पे या 15 फीट के फासले पे ऐसे करके दरख्तों के इर्द गिर्द लगा देते हैं, फिर कोई भी आता है ना ज़मीन से तकरीबन 1 फीट के ऊपर, और जैसे ही आता है तो उसको तो अंधेरे में भी वो तो दिन में भी नहीं नज़र आती, वो तो डोर सी होती है, तो फिर वो उसका पाँव लगता है तो ये बाहर निकला, तो ये बड़ा लाउडली जो है वो मतलब आवाज़ देती है, इसके सेल ख़त्म हो गए, वैसे ऐसे निकल रहा है तो ये मतलब इसका बड़ा वो होता है, लेकिन ये इधर इसका सेल चलता है, इसके सेल ख़त्म हो गया बहुत, इसका शार्प जो है ना इसकी वॉइस होती है, तो आप मतलब अगर सो रहे हो तो आप जाग जाते हैं, सेल खत्म हो चुकी इसी वजह से ये मिल गई। ये भी मैंने आइडियल्स ली थी जी, ये आपको टेम्परेचर वगैरह बताता है, जब आप कुकिंग वगैरह करते हैं आपकी तो उसमें बहुत सी चीज़ें अच्छी होती हैं जो मतलब आपको नहीं अंदाजा हो रहा होता कि कितना टेम्परेचर है या जो भी है, तो इसमें से ये एक लेज़र निकलता है।
ये इसका छोटा सा कंप्यूटर है, तो इसके ऊपर ये आप इसको ऐसे किसी भी खाना बन रहा है या कोई भी किसी का भी टेम्परेचर मालूम करना, तो ऐसे आप बटन दबाएंगे तो ये इधर बताता है। अभी ये बता रहा है जी कि 32 मतलब सेंटीग्रेड इसका वो बता रहा है टेम्परेचर। ठीक है, ये वो गैजेट है। आप खाना वगैरह बनाएं तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि अब वो मतलब कैंपिंग में आप ओवन वगैरह तो लेके नहीं जाएंगे, तो इससे आपको टेम्परेचर मालूम हो जाता है, ये किसी भी चीज़ का टेम्परेचर मालूम करने के लिए। और फिर ये जो है वाटरप्रूफ मतलब डिक्शनरी है और सॉरी डायरी है, डिक्शनरी की पेजेस वगैरह कुछ भी नोट वगैरह करने के लिए, तो मतलब ये ऐसे करके ये बंद हो जाती है। उनकी ऐसी चीज़ है, ये भी है एक मतलब डायरी है, ये तो आम मिल जाती है, लेकिन ये भी वाटरप्रूफ है। ठीक है, ये मैंने लाहौर से ली थी, ये मैंने इसी और शॉप जो है ना उधर से मैंने ली थी। इस तरह की चीज़ें जो आप ढूंढने से मिलती है, वैसे ये अली एक्सप्रेस वाले हो गए, अलीबाबा वाले हो गए, उसके अलावा दराज पी के हो गए, उसके अलावा मतलब अमेजोन में उसकी डेफिनेटली दुनिया की हर चीज़ मिल जाती है, amazon.com पे इस तरह की चीज़ें उधर से मिल जाती है। बाकी ये मेरे दो पाउच है, ठीक है, इसमें छोटी मोटी चीज़ है वो उसको करते हैं। ये ग्लासेस है, ये मुझे मतलब मेरे एक अजीज से वो गए थे थाईलैंड, उधर से वो ले गए। ये बड़ी प्यारी चीज़ है जी, बड़ा लाइट वेट है और बड़ा थिक मतलब स्ट्रॉन्ग ये मटेरियल है, ये मतलब टूटता नहीं है, ये बेंड हो जाएगा ऐसे जितने मर्जी आप दें, लेकिन ये टूटेगा नहीं। और दूसरा इसमें ये प्योर जो है ना वो लगे हुए हैं शीशे, मतलब प्लास्टिक वगैरह नहीं लगा, ये हीट रेजिस्टेंस और इसके अलावा जो है मतलब ये सूरज धूप वगैरह और या ये आप पहाड़ों वगैरह पर चढ़े ना तो उसमें जो आइस बर्निंग का चांसेस होते हैं ये मतलब आइस की वजह से उससे आपको वो करती है, तो ये ब्रिटेल है मतलब ग्लासेस है लेकिन थोड़ा मतलब इसका सस्ता होगा। तो ये चीज़ होगी जी। फिर उसके अलावा ये मेरी एक छोटी सी किट है, ये मतलब ये कैबा वगैरह में कहीं अगर कोई मतलब कुछ फट जाए या कोई बैग या कोई चीज़ की तो उसको सीने के लिए इसमें कुछ मतलब धागे में भी चाहिए मिले, मतलब धागा है और इसमें कुछ बटन वगैरह है, मतलब ये चीज़ है। फिर ये जो चीज़ है जी इसका मैं आपको कैसे बताऊँ, बहरहाल ये मैंने आम अपने मुझे वैसे उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान से भी मिलते होंगे, लेकिन ये हमारे घर के पास शॉप है, बिल्कुल आम सी शॉप है किराने की, उधर ये चीज़ें आई थी। आजकल बच्चे भी बड़े यूज़ कर रहे हैं। ये टैबलेट टिशू है जी, ये टिशू वो है कि मतलब आप हल्का सा पानी डाल के उसमें डालेंगे ये इतना बड़ा टिशू बन जाएगा, यानी पेपर का मतलब एक कपड़ा सा खुल जाएगा ये ना, तो मतलब ये वो है मतलब बैड टिशू टैलेंट। उसके अलावा ये माचिस है और इसमें कुछ मतलब चीज़ें वगैरह ये भी कभी कभी यूज़ आए। और ये फिर मेरे वो मतलब मैग्नीशियम रॉड और ये फेरो रॉड है सॉरी, और ये साथ में इसके स्टील है, इससे यानी मतलब किलो भी नहीं सिले ऐसे मतलब ना ये नजर आया ऐसे ये ना मतलब ये वो करता है स्पार्किंग, तो फिर आप इसमें जो है वेरी हार्श कंडीशन में आप इसे मतलब आग वगैरह जला सकते हैं। तो ये थोड़ा बड़ा है वो, ये थोड़ा हार्ड है, हार्ड मतलब इसमें से बहुत मुश्किल से निकलता, लेकिन ये बहुत कम यूज़ होता है। कम मतलब ये कि क्वांटिटी आप इसको जैसे जैसे इसको रब करेंगे ना तो इसमें से थोड़े मटेरियल में से आग लगेगी, इसमें से जल्दी जल्दी लगेगी, ये देखिए। ठीक है, तो ये भी सब ये इसके ऊपर जो है वो छोटा सा बोल दिया गया, इसको क्या कहते हैं ये नेविगेटर जो भी है मतलब ऐसे आपको। बाकी इसमें एक विसल भी है, तो आप किसी को अपनी तरफ मतवज करने के लिए, तो ये वो चीज़ है। और इसमें जी ये है मेरे पास, ये मैंने उकाड़ा थी, ये जो चीज़ें हैं ये भी मैंने ओल्ड शॉप से ली थी, ये 300-300 में इस तरह 250-300 में जो है मुझे ये मिलती है। वैसे ये अगर आप अमेजोन वगैरह से लेंगे तो ये क्या कहते थोड़ा कॉस्टली बढ़ जाते हैं, लेकिन उन लोगों को कुछ पता नहीं था। उससे मैंने पूछा ये क्या चीज़ है, वो कहता जी ये ब्रेसलेट है, ये गाड़ी वगैरह में लटकाने के लिए, उसको खुद नहीं पता था इसलिए मेरा जुगाड़ लग गया। तो दराज वगैरह दराज पीके वगैरह सब चीज़ें मिल जाती है, ये भी मैंने उकाड़े से ली थी जी एक साथ की दुकान से। ये इस तरह की जो है ना बड़े लाइट होते हैं और बड़े प्यारा सा उसका वो होता है ऐसे करके, यानी ये जो है इसका हैंडल, लेकिन मुझे तो पहले जो ये चीज़ नहीं मिली थी ये इस डिज़ाइन में, आम थोड़ियाँ तो बहुत सी मिल जाती है मगर इसमें नहीं मिली। अब इसका मैंने ये वाला चेंज करना है, तो लेकिन बल्कि मैंने ये चेंज करना भी नहीं है, ये बुगता टाइप मिनी बुगता है, लेकिन ये मतलब बुश्का वगैरह में इस डिज़ाइन की जो है ना वो यूज़ होती है पेट, तो ये नहीं मुझे मिली, ये आप मुझे मिलती है तो इसका हैंडल जो है वो मैं चेंज करूँगा, लेकिन मैं ये यूज़ नहीं करूँगा।
क्योंकि ये बहुत हैवी है, मतलब उस पहले मुझे ये नहीं मिला, ये जो चीज़ है ना ये बेस्ट, ये मुझे किसी ने गिफ्ट किया था, पहले किसी ने किया था तो मतलब मेरे फैमिली इन लॉज ने से किसी ने किया था, ये है गरबर का, तो ये मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, ये रेजर से शॉर्प है मतलब, तो ये मुझे मेरा ख्याल है ये इतराज भी किसी आया था, तो मेरी सिस्टर इन लॉज ने वगैरह ने मुझे ये दिया था, ये भी कोई 1300-1400 रुपये तक आ जाता है, इतना एक्सपेंसिव नहीं है, और साथ में इसकी ये शील है, और ये इधर से आप बेल्ट के साथ इसको फेस्टन या बेल्ट डाल सकते हैं आप इधर से किसी भी कैरोटीना के साथ, तो ये 1300-1400-1500 तक आ जाता है। फिर ये जो चीज़ें हैं ये मुझे अभी मिली है रिसेंटली, ये बहुत प्यारी चीज़ है, ये नहीं मिलती कहीं, और ये आपको मिलेगी उकाड़ा की उसी दुकान से, मल्टी टूलर है जी, इसमें आपको ये और ये बिल्कुल वर्क करेंगे, मतलब ये प्योर स्टील है और ये मैंने सेकेंड हैंड में ली है, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। मैंने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ऐसे कैन ओपनर, बाथर ओपनर, ये थोड़ा सा चाकू है, इसी तरह फिर ये मतलब साफ वगैरह है, इसमें इस साइड पे भी इसके ऐसे ही हैं, मतलब डिफरेंट ये भी सा है, और ये पेट वगैरह खोलने के लिए चार मुँह वाला, ये भी छोटा सा एक वो आरी सी है, फिर इसी तरह ये है बाथर ओपनर, कैन ओपनर वगैरह, ये बड़ी प्यारी चीज़ है, ये मुझे उम्मीद नहीं थी, इवन मैंने मतलब अपनी एक सिस्टर है मेरी दुबई में, उनको मैंने कहा था ये ले आए, तो लेकिन उन्हीं दिनों फिर मैं गया, आज से महीना डेढ़ पहले की बात है, तो मेरा एक दो वो भाई है एक मेरा, तो वो मुझे ले गया एक शॉप, वही शॉप जो मैं आपको बता रहा हूँ ना हॉस्पिटल ओकाड़ा में जो है उसके पास ही, यही पुरानी चीज़ें हैं, बेसमेंट में है ये शॉप, मैं किसी और वीडियो में आपको ना उसका सही एड्रेस सेंड कर दूँगा। तो ये मैंने लिया था जी, मेरा ख्याल 400 रुपीज़ में मैंने लिया था, वैसे ही अगर आप द्राज पी के वगैरह से लेंगे एक्सपेंसिव नहीं है, वीडियो से यहाँ भी अच्छा, ये भी है जी उसी तरह की चीज़ है, तो ये मिनी उसी तरह की सारा कुछ चीज़ें हैं, इसमें भी चाकू शाकू निकलेंगे आ रही हैं, और तो ये चीज़ें वर्क करती हैं, वैसे तो जो इस तरह की जो पठानों से मिलती है ना 100-200 रुपये के मल्टी टूलर्स, वो नहीं वर्क करते, लेकिन ये वाकई में वर्क करते हैं, ये मतलब ये बाइक की हैं चीज़ें, तो ये बहुत तेज़ है और ये बिल्कुल वर्क करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये हाई जो कार्बन स्टील है ना जो ठंडे वाला होता है इससे बना होता है, ये भी एक वो है जी, तो ये मुझे मेरे ख्याल 200-250 में मिल गया था, ये मुझे 150 में मिल गया था, ये भी मल्टी टूलर है, तो मतलब आपको ना मतलब छोटे उस सर्वाइव के लिए ये फिर इधर से इसके पेज वगैरह खोलने के लिए ये दो मुँह वाला पेज पर मतलब इस तरह की चीज़ें हैं ना, ये भी मल्टी टूलर, ये मुझे 150 में मिल गया था उसी दुकान से, फिर इस तरह ये है, ये भी मतलब मल्टी टूलर है, लेकिन ये इतना कोई वर्क नहीं करता, ये नहीं है सही है, तो ये भी कैन ओपनर वगैरह वगैरह इस तरह की चीज़ें, और फिर ये मतलब पेज वगैरह खोलने के लिए चलते हैं, तो ये भी इसी तरह के, ये 200 रुपये के मैंने लिए पठान से लाहौर से, तो फिर ये है जी नाइफ, छोटा सा एक नाइफ नहीं है, एक छुरी कह लें इसको आप, तो ये जो है सब्जियां वगैरह काटने के लिए, तो फिर ये मैंने उकाड़ा से लिया था, वही चर्च वो जो है ना छोटे वाला सर्वर छोटे वाला, वही बाजार ऐसे सीधा जाएंगे ना तो इस साइड पर एक बड़ी दुकान है छुरी वाली, उधर और भी इस तरह के चाकू वगैरह पड़े हुए हैं, लेकिन मुझे ये पसंद आया था, थोड़ा सा इसके ब्लेड जो है ना वो थोड़े कर्व है, मतलब लाइक का सा, तो ये भी प्यारी चीज़ है, ये मैंने ली थी जी मेरे ख्याल 350 रुपये में, ठीक है। फिर इसी तरह ये है छोटे छोटे, ये भी मैंने उधर से लिए थे, मतलब नाइफ्स हैं 200-250-300 रुपये में, क्योंकि उनको पता नहीं है इन चीज़ों के बारे में, लेकिन ये एक्सपेंसिव होते हैं, तकरीबन 2000-2500 रुपये में इस तरह मिलते हैं, मतलब अमेजोन वगैरह, ये भी मैंने उकाड़े की एक शॉप से लिया, ये बहुत तेज है और बहुत यानी ना आला चीज़ है, इधर इसको दबाएंगे तो फिर ये बंद होगा, वरना ये एक लाई का मतलब फिक्स ब्लेड उस तरह ही, मतलब इससे कोई वो खतरा वगैरह नहीं है। फिर ये गले वाले हैं जी छोटे छोटे नाइफ, मतलब ये इसका कोई ऐसा यूज़ तो नहीं है, लेकिन चलो एक अच्छा रकम मैंने ले लिया, एक ये भी 150 रुपये में मिल गया। और फिर इसके अलावा जनाब ये थोड़ा सा मेरे पास है, मतलब कॉलेज है रस्सी है ये प्लास्टिक की, तो ये कहीं ना कहीं यूज़ हो जाती है टेंट वगैरह बांधने के लिए, फिर ये चीज़ें हैं जी ये गर्म चीज़ पकड़ने के लिए ऐसे आपका जो है ना मतलब उसमें यूज़ होता है, ये भी एक चीज़ है, ये वो डिगिंग भी मतलब अर्थ आप अपने गेट के आग वगैरह लगाने के लिए थोड़ा सा जो है ना वो ज़मीन को उखाड़ के तो उधर लगा रहे थोड़ा बहुत मतलब सेफ्टी रह जाती है, ये मतलब उसको अलग चीज़ है। फिर ये है
मतलब वाटर बॉटल है, लेकिन इसमें मैं अपना फ्यूज भी रखता हूँ, जो गैसोलीन है या समटाइम मतलब ये जो होते हैं ना अल्कोहल स्टोव, उसके लिए अल्कोहल फ्यूज वगैरह ना वो इसमें मैं। ये एक पाउच है, ये छोटा सा है, इसके अंदर जो है वो मेरा ये स्लीपिंग बैग आ जाता है, इससे छोटे वाला एक पड़ा हुआ नीचे वो आ जाता है इसमें, मतलब नॉर्मल कंडीशन में होंगे उसके नीचे शीट बिछाने के लिए, मोबाइल वगैरह इस तरह के गैजेट्स जो है वो सारी इसमें एक ही जगह पे है। फिर ये दो बैग है, बैग नज़र आ रहे दोनों, ये दो बैग हैं, ये एक रख सकते हैं, ये सामान से लिया था तो ये मुझे मिला था 3,500, वो मैंने लंदन से लिया था, वो मेरा ख्याल मुझे मिला था 500 का, बड़ी प्यारी चीज़ कि नीचे सेपरेट जो है ना इसमें ऐसे थोड़ा आप अपना स्लीपिंग बैग इधर डाल सकते हैं, फिर ये इसको खोले, इसके अंदर जो है वो अपना कुछ अपना लैगेज डाल सकते हैं। ये फिरारी है तो इसके ये दंडों के पर ये मतलब ये जो चीज़ है ना सेफ्टी के लिए, मतलब लेकिन वो एक दूसरी है वो चाकू की तरह होती है, तो वो मैं ब्लेड जो है उसको कहते हैं, वो मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, वो इधर हमारे पाकिस्तान में है नहीं है और कहीं से मुझे मिला नहीं है, तो अब किसी अमेजोन वगैरह से मैं जो है उसको लूँगा, अभी इसकी यह सच की ज़रूरत पड़ी नहीं है क्योंकि मैं ये अल्कोहल स्टोव जो है ना वो यूज़ करता हूँ। फिर ये जो दो मेरे जी कार्गोज हैं, ये मैंने ये है तो काड़ा से लिया था, मोस्टली शॉपिंग जो उधर होती है, और ये जो दूसरे वाला है ये मैंने बाइक से आया था, मेरे ये भी इतने के मिल जाते हैं 850 इसी तरह, ये मैंने दराज पीके से खरीदा था 500 का आया था, और इधर से आवा में नूडल्स वगैरह होती है ऐसी चीज़ें जो सैंडविच वगैरह उसको खा सकते हैं, और ये इसकी ये बड़ी चीज़ है जी, इससे पहले मुझे ये मिला, ये मुझे चाहिए था, ये मुझे मिल नहीं रहा था, तो ये इसके लिए फिर मुझे टिफिन खरीदना पड़ा, ये बच्चों वाले टिफिन में होता है, तो फिर जब मैंने ये खरीद लिया तो फिर एक दिन मुझे ये सर्च कर रहा था ऐसे मुझे ये नज़र आ गया दराज पीके, तो मैंने ये मंगा लिया, तो आप ये भी है मेरे पास, तो ये 500 का है, और इसकी वजह से मुझे टिफिन खरीदना पड़ा था, मेरे पास 300 का टिफिन से नहीं दिया मिला, वो टिफिन आप उधर ही क्यों पड़ा था। फिर ये जो छोटी सी चीज़ है जी, ये चीज़ है कि आप ये लकड़ी वगैरह जो होती है ना उससे इसको रब करते हैं ऐसे ऐसे करके, ऐसे तो मूली का शीश को हम लेते हैं तो, लेकिन इससे फिर वो ब्रीक ब्रीक से ना वो उसकी छाल सी उतरती है, तो आग लगाने में ईजी होता है जब आप अपने इसे फेरन आग से लगाते हैं, तो मतलब ये यूज़फुल है। ये छोटा सा वो है मेरे ट्राईपॉड, एक बड़ा ट्राईपॉड है जिसमें कैमरा सेल, कुछ चीज़ें मेरे जो है मतलब ये डोइयाँ शोइयाँ और ये इस तरह के मतलब स्पून या वो कुछ में मदद करते हैं। ये एक मतलब जो मतलब सब्जी फ्रूट वगैरह कटिंग बोर्ड कटिंग बोर्ड है, तो ये है एक लैंटिनल, ये भी मैंने इधर आम दुकान से खरीदा था 650 का मिला था, इसमें इधर मिट्टी और फ्यूल डालते हैं मिट्टी का रेल, तो गैसोलीन ऑयल भी डल जाता है इसमें, तो ये भी आपको मतलब लाइट प्रोवाइड करता है। फिर ये एक डक टेप है, ये बहुत सी इसकी यूजेज है, मतलब कई कई लगाना और कोई लीकेज हो जाती है आप इसकी यूज़ करते हैं। ये कैमरा है जी, जो आप कोई भी आपके पास बचे बहुत से होंगे, और ये लाइट है, ये मेरी सिस्टर है उन्होंने दुबई से मुझे भेजी, ये चार्जिंग होती है तो इसमें जो सेल मिलता है वो चार्जिंग होती है, तो ये बड़ी वाला चीज़ है, और ये बहुत इसकी लॉन्ग है, ये मेरा ख्याल है कि 120 या 150 गर्म की कह लें या रियाल की कह लें, सर 3,000-4,000 रुपये की पक सकते हैं, 5,000 तक अच्छी ब्रांड की है, तो सारा कुछ खराब है। उसके अलावा जी ये मैंने लिया, लेकिन इसके ऊपर अभी मेरा काम करना बाकी है, इसको एक फोल्डिंग हैंडल लगाना है, तो ये गोरों के पास स्टैनली ब्रांड का या पाथफाइंडर ब्रांड का ना आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर, कुछ सेट फ्रॉम पाथ है पाथफाइंडर या स्टैनली वगैरह, तो ये उनके हैं और ये तकरीबन $60 के वो बताते हैं, लेकिन हमने पाकिस्तान में इसलिए जुगाड़ किया, तो इसमें आप अगर नूडल्स वगैरह या राइस भी बन जाते हैं इस तरह की जो चीज़ें, थोड़ा लाइट वेट और कैरी में बड़ा मजबूत चीज़ें। इधर एक वो लगाऊंगा फोल्डिंग वो हैंडल, जब ये लगे बिल्कुल वही चीज़ तैयार होगी, ये मैं आपको दिखाऊँगा जो बड़ी चीज़ है। इसके अलावा जनाब ये है जो मोस कप है, ये एक जो चीज़ है पानी की बॉटल है एक नज़र आ जाए, तो फिर उसके अलावा जनाब ये एक चीज़ है, ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा लाइट है, ये इम्पोर्टेंट है,
भाई से मतलब एक है हमारी रिलेटिव, तो ये पूरा सेट आया था उनका, लेकिन ये मुझे पसंद है ये बनी उसके लिए। तो ये भी अगर इस तरह की कंडीशन की तरह खूबसूरत लगती है कैंपिंग में, तो बहुत लाइट वेट आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। आई थिंक अराउंड अबाउट 600 मतलब औंस में इसकी होगी, 600 ग्राम तक होगा, ज़्यादा आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा इसका होगा, बल्कि ये भी मैं ज़्यादा ही बता रहा हूँ, लेकिन इतना ही होगा अराउंड अबाउट। ये आपको अगर इस तरह की स्टाइल इसी चीज़ की लगे ज़रा अच्छा लगता है, बाकी लाइट वेट होना चाहिए। ऐसे मैंने इसके ये रिमूव करने हैं दोनों ग्रैंड लेना, ये रिमूव करके इसके भी वो फोल्डिंग लगी है, तो ये बड़ी प्यारी चीज़ बन गई। फिर अगर आप स्टाइलिंग वगैरह की अगर ये इस तरह की कोई चीज़ परचेज करते हैं, वो आपको 70-80 डॉलर 60 डॉलर 120 डॉलर तक मिल जाए, लेकिन ये हमारे लिए भी चल रही थी हो गया था। इसके अलावा बहुत से गेयर्स हैं वो नीचे पड़े हुए हैं, अभी थोड़ी लाइटिंग का भी मसला है, और जल्दी जल्दी ये ला दीजिए बस ठीक है। तो ये प्लीज मतलब ये जी है मेरा कैमरा, ये जो है ये अब आपको शायद नज़र आ रहा है नहीं, ये इधर से ये ऊपर चला जाता है, ये जो चीज़ है तो ये ऊपर जाके बंद हो जाती है, तो मतलब ये आपके लगेज वगैरह के लिए एरिया बच जाता है, ये वाला ये जो चीज़ है, और वो उधर आप अपना स्लीपिंग बैग डाल के तो आप इजीली इसमें इज़ अ गुड अकोमोडेशन। तो हम आपको अपना जो है ये कैमरा थोड़ा सा लुक से दिखा दीजिए, ये है जी, ये मैंने उधर से लिया था ओकाड़ा की जो है ना शॉप, ये मैंने लिया था 3,500 का, लेकिन इस क्वालिटी का जो है मतलब ऐसे इसमें जो इंसुलेशन के लिए भी इन्होंने दी हुई है, इसको फिर उतार भी सकते हैं आप ऐसे उतार दे तो ऐसे, लेकिन ये हवा वगैरह के लिए ना, इधर भी है दूसरी साइड पे भी है। अब ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा नज़र आ रहा है क्योंकि ये फैसन नहीं किया, इसके ऐसे लुक्स वगैरह ना जब फैसन हो जाएंगे ना ज़मीन के साथ फिर ये बड़ी प्यारी लुक देता है, तो ये तकरीबन 20-25,000 का मिलता है, लेकिन मैंने 3,500 मिल गया था। ये मतलब ऐसे है, ये भी हवा के लिए मतलब रोशनदान सा है, गुड इंसुलेशन। तो ये सब चीज़ें आपको दिखा दी, अब आपको अपना मल्ला बताएं, ये जी हमारा एरिया है और बहुत प्यारी जगह है, शाम हो गई है, ठीक है जी वीडियो लंबी हो जाएगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं इंशाल्लाह जो है वो कुछ दिनों में ही जो है वो एक ट्रिप करने लगा हूँ राउंड दी पाकिस्तान, उसके लिए कुछ इजाज़त वगैरह भी चाहिए होती है, तो वो पीएम वगैरह से जो है वो पीएम के अनुसार या एमएनए वगैरह से वो अथॉरिटी लेटर वो इशू करवाएंगे, फिर देखते हैं कि बाइक से जो है वो करेंगे ट्रिप, आपको उसमें साथ रखेंगे, उसके डिफरेंट एपिसोड्स होंगे, हर अच्छी जगह और हर अच्छे स्पॉट पर जो है ब्रेक किया जाएगा और उसको एक्सपोज किया जाएगा, और इंशाल्लाह आप वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक करेंगे, तो ये एक इंटरटेनमेंट वीडियो है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू, गुड नाइट बुशक्राफ्ट, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।